कभी से तो मर गए थे। देश विरोधी कभी नहीं लगा सर, नहीं लगा। आप एक बात को रटने लगा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को सलाइन चढ़ रहा था, वो कहाँ गया? हमारी बिल्कुल जो है लीगल मांगे हैं, उनको जो है सुनना पड़ेगा सरकार को, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम सुनाने का जो है दम रखते हैं। 25 तारीख के लगभग हमारे जितने भी युवा है यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और मैं आपको बता दूँ कि निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और देश के कोने कोने से जो है हमारे छात्रों और छात्राएं यहाँ पे मौजूद होंगे, और सरकार को हम इतना विवश कर देंगे कि सरकार जो है मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। इन लोगों ने क्या किया, एक एक बंदे का नाम, रोल नंबर तो नहीं, मतलब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, पूरा एड्रेस लिया। उसके बाद इनकी प्लानिंग रात में हुई, कुछ बंदे को बुलाया गया, उनको समझाया गया पैदल यात्रा छोड़ दो, तुम घर चले जाओ। भाई जब हम 900 किलोमीटर चले तब आपके आँख पे पट्टी थी, और जब 900 किलोमीटर चल लिए तो आज आप पीछे दिखाइए कि ये हमें गाड़ी में भर के लेके जा रहे। SSC GD 2018 उसके जो अभ्यर्थी हैं पिछले डेढ़ दो साल से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर भी आए थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही पीड़ादायक भी है, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। जिस तरीके से नागपुर से वो संकल्प मार्च लेकर निकल रहे हैं, वो दिल्ली आने को है, इस टाइम रास्ते में कहीं हैं। उन्हीं के एक साथ ही हमारे साथ हैं जो SSC GD 2018 के अभ्यर्थी हैं। इनसे जानेंगे कि वो लोग कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे, और उनकी आगे क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है। क्या नाम हुआ आप? मैं KK नेहरा फ्रॉम राजस्थान, SSC GD 2018 का मैं छात्र हूँ। और देखिए पिछले 45 दिनों से हमारे जो साथी हैं SSC GD 2018 के, वो नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। अभी आगरा पहुँच चुके हैं, लेकिन सरकार जो है अभी भी आँख मूंद के जो है सोई हुई है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और सरकार जो है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार को हमारा अधिकार जो है देना पड़ेगा। हम ये शोषणवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 60,210 वैकेंसी थी, 5,000 जो है पद ऐसे ही छोड़ दिए गए, 80% जो है बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, और 10,000 से 12,000 लोगों ने जो है ज्वाइन नहीं करा। तो हमारी बिल्कुल जो है लीगल मांगे हैं, उनको जो है सुनना पड़ेगा सरकार को, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम सुनाने का जो है दम रखते हैं। अभी जो आपके जो साथी लोग हैं जो नागपुर से निकले हैं, कितने दिन हो गए, कहाँ पहुँचे हैं, और दिल्ली कब तक पहुँचेंगे? देखिए बहुत जल्द जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आने वाली 25 तारीख तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और विशाल आंदोलन आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं भी अगर सरकार ने अगर गड़बड़ करी, और अगर हमारे साथियों के ऊपर अगर लाठियां बाजी गई, तो फिर इसका जो है अंजाम बुरा होगा। हम बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है एक तरफ कहती है कि भैया उग्र आंदोलन मत करो, ट्रेनें मत फूको, हमने नहीं फूकी, हमने किसी को जो है क्षति नहीं पहुंचाई, हमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, हमने बिल्कुल अपना आंदोलन जो है शांतिपूर्वक तरीके से किया है, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है TOD का आंदोलन हुआ, कितनी ट्रेनें जो है फूकी गई, उससे पहले रेलवे का आंदोलन हुआ, वहाँ पे जो है कितनी ट्रेनें फूकी गई, कितना जो है जनहानि, मतलब जो हाँ संपत्ति को जो है नुकसान पहुँचाया गया, उसके बाद में जो है सरकार जो है उसके ऊपर जो है संशोधन कर रही है। तो क्या सरकार जो है जो शांतिपूर्वक तरीके से जो युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ को नहीं सुनेगी, क्या उनकी बातों को जो है नहीं सुनेगी, क्या सरकार जो है उग्र आंदोलन करते हैं उन्हीं की सुनेगी? तो ये एक सवाल है सरकार के लिए, और सरकार को देखिए निश्चित तौर पे सुनना चाहिए, और जो जायज मांगे हैं उनको मानना चाहिए। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, PM मोदी, करोड़ों रुपए का संसद बन रहा है, आप उस पर अशोक स्तंभ का भी अनावरण कर दिया गया है, लेकिन आप लोग लगातार सरकार को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, खासकर मोदी जी को। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत हमारा एक परिवार है, और उस परिवार के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। जो मेजोरिटी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन जो युवा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते हैं, जो उग्र आंदोलन नहीं करते हैं, जो हमारे भारत के लोकतंत्र की पालना करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनकी जो है अवहेलना करी जा रही है। आप देखिए ना पिछले 1.5 साल से जो है SSC GD 2018 का युवा आंदोलन कर रहे हैं,
पता नहीं कितनी बार जो है उनके ऊपर लाठियां मारी गई, हमारी बहनों के जो है कपड़े फाड़ दिए गए, और यहाँ पे जो है उनको बैठने नहीं दिया जाता था। अरे आज वो जो है बच्चे पैदल चलने के लिए मजबूर है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तो उनकी आवाज़ को जो है सुनना चाहिए, क्योंकि उनका जो दर्द है, आप सभी जानते हैं कि जो है जो फोर्सेज होती हैं उनमें सिर्फ जो गरीब आदमी है वही जाता है, कोई टाटा बिड़ला अंबानी या बिजनेसमैन का बेटा नहीं जाता है। तो हमारे अंदर देश सेवा करने का जोश जुनून जज्बा है और वो हमें मिलना चाहिए, हमारा जायज जो है हमारी मांगे हैं वो मान देश सेवा या राष्ट्रहित में, देश सेवा के लिए उसकी तो कोई कीमत नहीं होती, फिर आप क्यों लगे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हमने जो है ये लिखित में जो है सरकार को दिया है कि हम 2 साल के लिए जो है बिल्कुल जो है सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन हमें देश सेवा करने का मौका दिया जाए, उसके बावजूद जो है सरकार नहीं सुन रही है। हमने सिर्फ हमारी मांग इतनी है कि अमित शाह जी से जो है हमारी मीटिंग करवाई जाए और जो भी हमारी मांगे हैं उनको वो सुने ध्यानपूर्वक, और उनके बाद में जो है उनका जो भी फैसला हो हमें मंजूर है, लेकिन वो मीटिंग करने के लिए तैयार। अगर वो मना कर दे तो मंजूर होगा? बिल्कुल मंजूर होगा अगर वो मना करते हैं तो, लेकिन हमारी मांगे जायज है, हमें विश्वास है कि अगर उनके सामने अगर हमारी मांगे अगर रखी जाएं तो वो सोचने के लिए मजबूर होंगे और हमारे हक में फैसला आएगा। लेकिन एक बात बताइए, आज देश का युवा जो है, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर है, पहले से ज़्यादा क्रांतिकारी है, तमाम जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत रोज़गार मिला, लेकिन आप लोगों को फिर भी देखिए कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार मिला होता तो आज यहाँ पे हम जो है सड़कों पे धक्के नहीं खा रहे होते, अग्निपथ इतनी बड़ी है इसकी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। अग्निपथ की आप बात कर रहे हो, अरे 4 साल के बाद में वो युवा क्या करेगा मुझे बताइए ना आप। महेंद्र के यहाँ वो गार्ड की नौकरी, अच्छा मतलब उनके यहाँ पे चापलूसी करेगा। अरे जिस युवा के अंदर देश सेवा करने का जोश जज्बा जुनून है वो इन लोगों की चापलूसी करेगा, कभी नहीं करेगा। वो देश के लिए शहीद हो सकता है लेकिन इन लोगों की चापलूसी नहीं करेगा, उनको मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये जो अग्निपथ योजना लेके आए हैं और कह रहे हैं कि भैया जो है 25% हम लेंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, और जो है बड़े बड़े अफसरों की जो है ये लिपापोती ज़्यादा होगी, और उनको जो है ये आप कह रहे हैं कि 25 लाख मिल जाएंगे, 11 लाख, मतलब बड़ी बड़ी जो है मीडिया में बातें चल रही हैं, तो कुछ नहीं है सिर्फ लोगों के। लेकिन एक बात है, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लगातार जो भी मोदी जी फैसला देते हैं या स्कीम लाते हैं वो लागू करवा ले जाते हैं, आप लोग कोई मतलब या तो आप हिंसक प्रदर्शन करते हैं जिससे आप लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो जैसे क्रांतिकारी एक मूवमेंट नहीं चला पा रहे। देखिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि जो मोदी जी के पास पूरा जो भी हमारे देश का पुलिस प्रशासन है, फोर्सेज हैं, सभी हैं, तो उस वजह से जो है जो शांतिपूर्वक तरीके से भी जो आंदोलन करता है उनको नहीं करने दिया जाता है। अभी आपने देखा ये खुद करवाते हैं, देखिए अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम में जब TOD लगा था, मैं खुद यहाँ पे जंतर मंतर पे आया था, लेकिन हमें आंदोलन नहीं करने दिया गया, यहाँ से उल्टा हमें भगा दिया गया। उसके बाद में जो है घर पे मेरे पुलिस गई, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, मैंने कोई उग्र आंदोलन नहीं करा, उसके बावजूद मेरे घर पे पुलिस गई, मेरे घर वालों को जो है धमकाया कि आपका लड़का इस तरह से, तो कोई भी जो है अपने बच्चे को जो है इस तरह से अगर उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप अगर पुलिस के द्वारा लगाए जाएंगे तो हर एक माँ की जो ममता होती है वो कभी भी जो है अपने बच्चे को जो है बाहर नहीं भेजेगी, फिर चाहे वो शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए ही क्यों ना हो। अब क्या करेंगे जब नागपुर से जो लोग दिल्ली पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, संसद घेरेंगे? देखिए अभी 25 तारीख के लगभग हमारे जितने भी युवा है यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और मैं आपको बता दूँ कि निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और देश के कोने कोने से जो है हमारे छात्र और छात्राएं यहाँ पे मौजूद होंगे, और पहले भी हमने बहुत बार किया है आपने देखा होगा, और सरकार को हम इतना विवश कर देंगे कि सरकार जो है मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, हम ट्रेनें नहीं फूंक, संसद का घेराव देखिए हम यहाँ पे बैठेंगे और हो सकता है संसद का घेराव भी किया जाए। आप जनसंख्या नहीं मतलब संख्या नहीं ला पाते, लोग नहीं जुटा पाते, अभी भी देख रहे हैं कि कम लोग हैं, अगर एक भीड़ मतलब अच्छी तादाद में जनता आए या संख्या आए तब कुछ बन सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, SSC GD के काफ़ी युवा आते हैं, सैकड़ों में हजारों में युवा आते हैं, आपने देखा होगा जब चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे तब भी जो है यहाँ पे हजारों में भीड़ थी, और जब जब हमने आंदोलन किया है यहाँ पे हजारों में ही रहती है, तो ऐसा नहीं है,
निश्चित तौर पे भीड़ आएगी, क्योंकि युवाओं का हक मारा गया है, युवाओं का शोषण हो रहा है और ये शोषणवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम जो है आवाज़ उठाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी, जिनका साफ कहना है कि आने वाली 25 तारीख को जो नागपुर से अभ्यर्थी चले हैं, पैदल चले हैं और वो दिल्ली पहुंचेंगे 25 तारीख को, तो 25 तारीख को संसद पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें ये गृह मंत्रालय अमित शाह का घेराव करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस वक्त है हम जंतर मंतर से, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनहित आवाज़ दिल्ली।